गुड मॉर्निंग। अध्याय 24वां रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें हम आज बात करने वाले हैं हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। क्रियाविधि को देखते हैं कि हृदय की क्रियाविधि में क्या होगा। हम बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में। हृदय चक्र जो है वो चार चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है आलिंदों का शिथिलन, दूसरा चरण है आलिंदों का संकुचन, तीसरा चरण है नलियों का संकुचन और चौथा इसका चरण है नलियों का शिथिलन। तो पहली हम बात करेंगे आलिंदों का संकुचन की। पहले हम बात करेंगे आलिंदों का शिथिलन के बारे में कि जब आलिंदों का शिथिलन होगा तो हृदय में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी या क्या क्रियाएं होंगी। जब आलिंदों का शिथिलन होता है, ध्यान से देखिएगा, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद, ये दायां नील है और ये बायां नील है। जब आलिंदों का शिथिलन होता है तो सबसे पहले संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा, संपूर्ण शरीर से महाशिराओं के द्वारा रुधिर जो अशुद्ध है दाएं आलिंद में आता है। उसी समय शुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। समझ में आई ये बात कि आलिंदों का जब शीतलन होता है तो सर्वप्रथम संपूर्ण शरीर से शिराओं के द्वारा रुधिर दाएं आलिंद में आएगा। उसी समय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आएगा। अब धीरे धीरे आलिंद भरना शुरू हो जाते हैं आलिंदों के शीतलन के समय। जैसे ही आलिंद भरेंगे तो इनके अंदर जो दाब है वो बढ़ेगा। अब आलिंदों का दाब बढ़ने लग गया है क्योंकि इनमें रुधिर आ रहा है, अशुद्ध रुधिर आ रहा है दाएं आलिंद में, शुद्ध रुधिर आ रहा है बाएं आलिंद में। अशुद्ध रुधिर जो है दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर से महाशिराओं द्वारा आ रहा है तथा बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर फेफड़ों द्वारा आ रहा है। ये कंडीशन कब है? जब आलिंदों में शीतलन की प्रक्रिया हो रही है। अब जैसे ही ये दोनों आलिंद भर जाते हैं तो अंदर का दाब ज्यादा हो जाता है जिससे त्रिवलन और द्विवलन कपाट खुल जाते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद दोनों के बीच में एक पट उपस्थित होता है जो इन दोनों के रुधिर को मिलने नहीं देता। उस पट को अंतरा आलिंद पट कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जहां पर महाशिराएं आकर जो अग्र महाशिरा है वो खुलती है उसके स्थान पर ऐसे नोड उपस्थित होता है। ये ऐसे नोड जो है स्पंदन उत्पन्न करता है जिससे हृदय में संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि संपूर्ण शरीर से शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आ गया। उसी समय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आ गया है। अब दोनों आलिंदों का दाब बढ़ने लग गया है, यहाँ दाब बढ़ गया है। जैसे ही दोनों आलिंदों का दाब बढ़ेगा तो त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट है ये, द्विवलन कपाट है ये, दोनों खुल जाएंगे और जो रुधिर है वो नलियों में आना शुरू हो जाएगा। अब रुधिर कहाँ आ गया? नलियों में रुधिर आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये है कि जैसे ही ये त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट खुलते हैं तो 75% रुधिर, कितना परसेंट? 75% रुधिर नलियों में आ जाता है। मतलब आलिंद, दोनों आलिंदों से जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट खुलेंगे तो नलियों में 75% रुधिर आ जाएगा। ये कंडीशन होगी आलिंदों के शीतलन के दौरान।
और आलिंदों का जो शिथिलन होता है उसमें समय लगता है 0.7 सेकंड। ध्यान रखना इसको कि जब आलिंदों का शिथिलन होता है तो 0.7 सेकंड का समय लगता है। उस 0.7 सेकंड के अंदर इन दोनों आलिंदों से 75% रुधिर नलियों में चला जाता है। अब नलियों में रुधिर आ गया है 75% आलिंदों के शिथिलन के दौरान। अब आलिंदों में संकुचन होगा, आलिंदों में संकुचन। जब आलिंदों में संकुचन होता है तो बचा हुआ रुधिर आलिंदों में से निलयों में आ जाता है। ध्यान रखना, जैसे ही आलिंदों का संकुचन होगा तो आलिंदों में जो शेष रुधिर है वो निलयों में पहुंच जाएगा और निलयों का प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब निलयों में ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही संपूर्ण रुधिर निलयों में आ जाता है तो ये त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट बंद हो जाते हैं। किस समय? जब आलिंदों में संकुचन की क्रिया होती है तो शेष बचा हुआ 25% रुधिर निलयों में आ जाता है, उस दौरान ये त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट दोनों बंद हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरी कंडीशन, तीसरा चरण कौन सा होगा। तीसरा चरण अब होगा निलयों का संकुचन, निलयों का संकुचन। पहले हमने बात करी है आलिंदों का शीतलन, जिसमें 75% रुधिर निलयों में आ गया है आलिंदों से और उसमें 0.7 सेकंड का समय लग रहा था। उसके बाद आलिंदों का जब संकुचन हुआ तो बचा शेष 25% जो रुधिर है वो भी निलयों में आ गया था और आलिंदों के संकुचन में 0.1 सेकंड का समय लगता है। इतने समय में 25% जो रुधिर है वो निलयों में आ जाता है। अब धीरे धीरे निलय जो हैं उनका दाब बढ़ने लगता है। अब जैसे ही निलयों का दाब बढ़ेगा, ये दायां निलय ये बायां निलय दोनों का दाब बढ़ने लग गया है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये दायां निलय है ये बायां निलय है। दायां निलय और बायां निलय के बीच में एक कपाट उपस्थित होगा जिसे कहेंगे अंतरानिलयी पट। ध्यान रखना, आलिंदों के बीच में जो कपाट था उसे कहा था अंतरालिंद पट और निलयों के बीच में जो पट उपस्थित होगा उसे कहेंगे अंतरानिलयी पट। ये भी वही काम करता है जो अंतरालिंद पट कार्य करता है। अब निलयों का दाब बढ़ने लग गया है और निलयों के अंदर दोनों साइड में दाएं निलय में और बाएं निलय में एक तरफा अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही निलय में दाब बढ़ेगा तो दाएं निलय से रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा। अब सोचने वाली बात यहां पर यह आ गई है कि दाएं निलय में रुधिर कैसा है, अशुद्ध। तो अशुद्ध रुधिर उस समय कहां जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। और बाएं निलय में रुधिर कैसा है, शुद्ध रुधिर, वो कहां जाएगा, संपूर्ण शरीर में, ताकि कोशिकाओं को रुधिर मिलता रहे। ध्यान देना, जब निलयों का संकुचन होता है तो उस समय जब निलयों में दाब बढ़ जाता है तो दोनों निलयों में जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो खुल जाते हैं। अब दाएं निलय से रुधिर चला जाता है फेफड़ों में और वो फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा जाता है और बाएं निलय से रुधिर चला जाता है संपूर्ण शरीर में, वो ग्रहादेहिक चाप के द्वारा जाता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह आ गई, जैसे ही निलयों में दाब बढ़ने लगता है तो ये त्रिवलन कपाट और ये द्विवलन कपाट तो हो जाते हैं बंद। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये रुधिर जो निलयों का है आलिंदों में ना जा पाए और उसी दौरान ये दोनों अर्धचंद्राकार कपाट एक तरफा कपाट होते हैं जो खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं, ताकि जैसे ही निलयों का प्रेशर बढ़ेगा ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे तो दाएं निलय से रुधिर चला जाएगा फेफड़ों में और बाएं निलय से रुधिर चला जाएगा संपूर्ण शरीर के अंदर और संपूर्ण शरीर से रुधिर चला जाएगा कोशिकाओं के अंदर। अब समझने वाली बात यहां पर यह आ गई है कि दाएं निलय से रुधिर आ गया है आपका फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों में CO2 को निकाल दिया जाता है और CO2 की जगह ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है। ये क्रिया ये फेफड़ों के अंदर होती है, मतलब रुधिर का प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है
CO2 को निकालकर O2 को जो मिक्स किया जा रहा है वो फेफड़ों में प्रक्रिया होगी और वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब निलियों का जब संकुचन हुआ है, निलियों में जब दाब बढ़ा है, दाब बढ़ने के द्वारा दाएं निले से रुधिर चला गया फेफड़ों में और बाएं निले से रुधिर चला गया संपूर्ण शरीर में। अब निलियों का जो दाब है धीरे धीरे कम होने लग गया है। अब निलियों का दाब कम होगा तो इन धमनियों का दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जब निलियों का दाब बढ़ता है तो धमनियों का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि धमनियों को रुधिर लेके फेफड़ों में जाना होता है और बाएं निले से जो धमनियां निकल रही हैं वो रुधिर को संपूर्ण शरीर में लेके आती हैं। अब जैसे ही इनका दाब खत्म होता है, संपूर्ण रुधिर कहाँ आ गया, धमनियों में, तो ये कपाट वापस बंद हो जाते हैं ताकि धमनियों का रुधिर वापस निलियों में, दोनों निलियों में ना आए। अब जब निलियों का दाब बिल्कुल कम हो गया है, निलियों में रुधिर नहीं है, तो ये फिर से त्रिवलन और द्विवलन जो कपाट हैं ये खुल जाते हैं ताकि वापस निलियों में रुधिर आना शुरू हो जाए। तो निलियों के संकुचन के समय हमने क्या देखा, निलियों के संकुचन के समय हमने देखा कि जब निलियों में दाब बढ़ जाता है तो रुधिर दाएं निले से फेफड़ों में चला जाता है और बाएं निले से संपूर्ण शरीर में चला जाता है, फिर वो कपाट बंद हो जाते हैं। और निलियों के संकुचन में लगभग 0.3 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं चौथे चरण की, निलियों का शिथिलन। निलियों का शिथिलन, जब निलियों का शिथिलन होता है उस समय दोनों निलय खाली रहते हैं और इनमें आलिंदों से रुधिर आना शुरू हो जाता है और दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों में चला जाता है और बाएं निलय से रुधिर संपूर्ण शरीर में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम एक अलग तरीके समझते हैं कि जब दाएं और बाएं आलिंद रुधिर से भर जाते हैं तो इन दोनों का दाब बढ़ जाता है। इन दोनों का दाब बढ़ने से ये दोनों का पार्ट, त्रिवलयनी कपाट, द्विवलयनी कपाट, ये खुल जाते हैं और रुधिर निलियों में आ जाता है। अब निलियों का दाब बढ़ने लगता है, जब आलिंदों का शिथिलन होता है तो 75% रुधिर जो है वो निलियों में आ जाता है शिथिलन के दौरान। जब आलिंदों का संकुचन होता है तो बाकी रुधिर जो बचा है वो भी निलय में आ जाता है, तो निलय का दाब बढ़ने लगता है। जैसे नीले का दाब बढ़ेगा ये दोनों कपाट बंद हो जाएंगे, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट दोनों बंद हो जाएंगे। उस दौरान क्या होगा, निलियों का दाब बढ़ने लगेगा, जिससे ये दो अर्धचंद्राकार कपाट हैं दाएं नीले में और बाएं नीले में, ये खुल जाते हैं और दाएं नीले से रुधिर फेफड़ों में चला जाता है और बाएं नीले से संपूर्ण शरीर में चला जाता है। अब ध्यान यहां पर हम देते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि प्रवाह आयतन क्या है, पहले प्रवाह आयतन की हम बात करेंगे। प्रवाह आयतन, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि प्रवाह बहने की दर, आयतन बहने की दर जो है, रुधिर के बहने की दर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये होगी एक स्पंदन में, एक स्पंदन में जितना रुधिर पंप होगा वो प्रवाह आयतन कहलाएगा। दूसरी हम बात करते हैं हृदय निकास की। हृदय निकास वो होगा कि एक स्पंदन में निलयों द्वारा, ध्यान देना, प्रवाह आयतन में हमने क्या कहा कि एक स्पंदन के अंदर कितना रुधिर पंप किया जा रहा है उसकी मात्रा क्या कहला रही है, प्रवाह आयतन कहला रही है। हृदय निकास क्या कहलाएगा कि निलयों द्वारा, जो निलय है उनके द्वारा एक मिनट में कितना रुधिर प्रवाह किया जा रहा है या निकाला जा रहा है या निष्कासित किया जा रहा है वो हृदय निकास कहलाता है एक स्पंदन में। और हमें पता है कि एक मिनट में 72 स्पंदन होते हैं, मतलब 60 सेकंड में 72 स्पंदन। अब एक स्पंदन में कितना समय लगेगा, वन बीट में कितना समय लगेगा, तो 60/72 0.8 सेकेंड। इट मीन्स एक स्पंदन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और एक स्पंदन में क्या होगा, एक तो होगा सिस्टोल,
और एक ही होगा डायस्टोल। इन दोनों के एक स्पंदन के दौरान एक सिस्टोल का होना और एक डायस्टोल को होना क्या कहलाएगा? हृदय चक्र कहलाएगा। और हृदय चक्र को हमने अभी आपको सही तरीके से देखा है इसके अंदर किस तरीके से हृदय चक्र की प्रक्रिया हमारे हृदय में पूर्ण होती है। हृदय चक्र, मैं रिपीट करता हूं, हृदय चक्र चार चरणों में होता है। आलिंदों का शीतलन के दौरान 75% रुधिर नलियों में आ जाता है और आलिंदों के संकुचन के दौरान 25% रुधिर जो बचा है आलिंदों में वो नलियों में आ जाता है। आलिंदों के शीतलन में 0.7 सेकंड का समय लगता है जबकि आलिंदों में संकुचन में 0.1 सेकंड का समय लगता है। नलियों का संकुचन जब होता है तो नलियों के संकुचन के दौरान दाएं नलय से रुधिर फेफड़ों में जाता है और बाएं नलय से रुधिर संपूर्ण शरीर में जाता है। नलियों के संकुचन में 0.3 सेकंड का समय लगता है और एक स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगता है।